हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 40 एक्सपेरिमेंट। तो गाइस हाजिर हूँ आज एक बहुत ही कमाल और बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ में। तो गाइस आप लोग को पता है कि कुछ लिक्विड हमारे पास में ऐसे होते हैं जो कि हवा में एवोपरेट हो जाते हैं, जो कि गाइस हवा में मतलब उसको अपन खुला छोड़ दें तो वो हवा में उड़ भी सकते हैं। तो ऐसे एक लिक्विड को आप जैसे जानते होंगे कि पेट्रोल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी ऐसे होता है जिसको हम ज़्यादा देर के लिए खुला छोड़ दें, या फिर हमारे नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है इसको भी हम खुला छोड़ दें तो वो भी हवा में उड़ जाता है। तो आज हम उसी प्रकार का एक लिक्विड है उसको भी हम हवा में एवोपरेट कराने की कोशिश करेंगे और वो देखते हैं कितनी देर में एवोपरेट होता है। तो आज हम उसके लिए यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ करने वाले हैं इसको हवा में एवोपरेट कराने के लिए कितनी देर में हो जाता है। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ 100 ग्राम के करीब पेट्रोल को लेने वाले हैं और इसको इस ग्लास में भर के धूप में रख देंगे और फिर देखते हैं कि वो कितने देर में एवोपरेट होता है। तो चलिए गाइस इसको रख देते हैं। और गाइस हम आपको हमें नहीं पता इसमें कितना टाइम लगने वाला, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो हम आपको डे बाय डे का या फिर घंटे बाय घंटे का इसको आपको हिसाब भी बता देंगे कितनी देर में मतलब कितना कम होता जा रहा है वो। तो गाइस चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का ये वीडियो। तो गाइस इसमें मैं कुछ 100 ग्राम पेट्रोल निकालने वाला हूँ। मेरे हिसाब से गाइस इतना काफ़ी होगा। तो चलिए देखते हैं इतना गाइस पेट्रोल कितने देर में कम होता है। इसको मैं धूप में रखता हूँ और इसमें मैं मार्किंग करने की कोशिश भी करता हूँ कि हमने कितना पेट्रोल इसमें रखा है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा मार्किंग हो रहा है, हम इतना पेट्रोल अभी इसके अंदर रख रहे हैं। चलिए गाइस इसको धूप में रख देते हैं और देखते हैं कितने दिन में ये एवोपरेट हो जाएगा। आपको क्या लगता है गाइस कितने घंटों में या कितने दिनों में एवोपरेट होने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। चलिए गाइस अब करीबन 2 घंटे हो चुके हैं फिर से और मैं फिर से इसको देखने जा रहा हूँ तो अभी कितना बचा है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी तो बिल्कुल ख़त्म की स्थिति पर ही आ गया है और आप देख सकते हैं कैसे एवोपरेट हो रहा है। पहले इसका साइन यहाँ पर था, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, जब हमने साइन लगाया था उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना कम हो चुका है। और जब पहली बार में था तो पहले सूरज यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हुआ और अब यहाँ पर हो चुका है और ये धीरे धीरे उड़ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ आपको उसकी बूंदें दिख रही होंगी। तो गाइस अब तो हमें आइडिया लग ही जाएगा कि कितनी देर में 1 लीटर पेट्रोल को हम एवोपरेट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर चारों तरफ एक हल्की हल्की सी पेट्रोल की स्मेल भी आ रही है। चलिए गाइस देखते हैं और कितनी देर लगती है इसमें। और आप देख सकते हैं ऐसे एक बूंद भी बह रही है नीचे की ओर और मुझे पता नहीं वो पानी है या पेट्रोल है, पता नहीं क्या है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बूंदे हैं। तो गाइस अब पेट्रोल अगर आप देखना चाहते हैं तो कितना हो सकता है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना ज़्यादा कम हो सकता है। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस अब पेट्रोल केवल इतना बचा है। चलिए गाइस मैं आपको और अच्छे से नीचे आके दिखाता हूँ, यहाँ पे तो भी बहुत रिस्की है और मेरा माइक भी ऊपर छूट गया। ये देखिए गाइस हमने जब इस पेट्रोल को रखा था तब ये इतना था, आप देख सकते हैं निशान, और अब जो है ये इतना हो चुका। और जब मैं आपको दोपहर में दिखाया था तब वो इतना हो चुका था और अब 2 से 2.25 के करीबन ये लगभग ख़त्म होने पर ही आ चुका है। तो गाइस है ना ये सच में औसम, मतलब मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर हमारा 100 ग्राम पेट्रोल लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। और गाइस इसका रंग इससे थोड़ा डार्क भी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना डार्क टाइप का दिख रहा है ये पेट्रोल और ये यहाँ से यहाँ आ चुका है। और गाइस 3 से 4 घंटे के अंदर हमारा 100 ग्राम पेट्रोल उड़ चुका है। तो गाइस 30 घंटे के अंदर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल आराम से हवा में उड़ जाएगा अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा एक्सपेरिमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस इसके बारे में आपकी क्या राय है आप इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे ही कमाल के आइडिया के लिए इस चैनल को अभी कभी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इस आइडिया के लिए वीडियो कर दीजिए एक लाइक क्योंकि आपने गाइस ऐसा आइडिया अभी तक यूट्यूब में किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा। तो गाइस इस आइडिया के लिए कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम, टाटा गुड बाय, दिल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।